कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद मुख्य गैसों में से एक है। हमारे इकोसिस्टम में मौजूद हवा का 21% हिस्सा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के हर स्तर पर बहुत आवश्यक है। मरीजों को जहां वाटर वेपर से मुक्त हाई क्वालिटी मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, वहीं इंडस्ट्रीज में मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के साथ ही कंबस्टन, ऑक्सीडेशन आदि में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स के माध्यम से अस्पताल मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आंकड़ों के अनुसार साल 2026 तक मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड 7.02% CAGR की दर से बढ़कर लगभग 6,712.32 मिलियन US डॉलर्स पहुंचने की उम्मीद है। मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम्स या लंग्स से जुड़ी समस्याओं में हॉस्पिटल्स, एम्बुलेटरी सेंटर्स, इमरजेंसी मेडिकल सेंटर्स में किया जाता है। एब्जॉर्प्शन तकनीक द्वारा तैयार मेडिकल ऑक्सीजन लगभग 93 से 95% से ज्यादा शुद्ध होती है। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का उपयोग करके ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट किया जाता है और इसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेफड़ों में संक्रमण की समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए इनहेलेशन थेरेपी में, सर्जरी के समय रोगियों के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के तौर पर इत्यादि। IID इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में आपको इसी के व्यवसाय से जुड़ी जानकारी देगा। प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन विधि से मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स में एटमॉस्फेरिक एयर का मुख्य रूप से उपयोग होता है, साथ ही मॉलिक्यूलर जियोलाइट सीव्स और अन्य केमिकल्स का भी उपयोग किया जाता है। PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने के लिए आपको लगभग 2500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। अब हम आपको बताएंगे PSA ऑक्सीजन जनरेटर के जरिए मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने की पूरी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर को 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर तक कंप्रेस किया जाता है और इस विधि को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। अगले चरण में कंप्रेस्ड एयर को सिलिका जेल बीड्स के कॉलम्स से पास किया जाता है, जो कंप्रेस्ड एयर से वाटर वेपर को एड्सॉर्ब करता है। फिर इसे कार्बन डाइऑक्साइड के एड्सॉर्प्शन के लिए एक्टिवेटेड कार्बन के कॉलम से पास किया जाता है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर को जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव्स से पास किया जाता है, जहां एयर से ज्यादातर नाइट्रोजन और आर्गन एड्सॉर्ब हो जाती है। फर्स्ट कॉलम एड्सॉर्बेंट्स के नाइट्रोजन और आर्गन मॉलिक्यूल्स से सैचुरेशन के बाद गैसेस एड्सॉर्बेंट से फिल्ड सेकेंड बेड में जाती हैं, जहां एक बार फिर से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और वाटर वेपर का एड्सॉर्प्शन होता है। इस बीच फर्स्ट बेड को डीप्रेशराइज करके नाइट्रोजन, आर्गन और अन्य गैसेस को सिस्टम से बाहर करके एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये प्रोसेस एक बार फिर से शुरू होती है। कंप्रेस्ड एयर को जियोलाइट बेड्स में भेजा जाता है और ये तब तक चलता है जब तक फर्स्ट चेंबर सैचुरेट नहीं होता। इसके बाद प्राप्त मेडिकल ऑक्सीजन को उन गैसियस सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है जिन्हें स्पेशली इसी के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद इन्हें डिलीवरी सिलेंडर्स में फिल करके एप्रोप्रिएट फिलिंग सिस्टम के जरिए मेडिकल फैसिलिटीज में सप्लाई कर दिया जाता है। PSA ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट की मेन यूनिट होते हैं एड्सॉर्बेंट्स, इसलिए इन्हें सावधानी से कॉलम्स में पैक किया जाता है। इस प्लांट को सेटअप करने के लिए आवश्यक मशीनों की बात करें तो इसमें ऑयल फ्री एयर कंप्रेसर, कंप्रेस्ड एयर ड्रायर, एक्टिवेटेड कार्बन एयर फिल्टर, एयर रिसीविंग टैंक, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन जनरेटर, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, सिलेंडर फिलिंग सिस्टम की जरूरत होगी। इसके अलावा मिसलेनियस एसेट्स में एयर प्री फिल्टर्स, बैक्टीरियल फिल्टर, प्रेशर रेगुलेटर्स आदि का भी उपयोग होता है। इन मशीनों को चलाने के लिए लगभग 60 से 70 किलोवाट पावर कंजम्पशन की भी आवश्यकता होगी। PSA ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट को सही ढंग से रन करने के लिए लगभग 12 से 15 वर्कर्स की सहायता लेनी होगी। इस व्यवसाय को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको लगभग 45 से 55 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी निवेश करना होगा और इसके माध्यम से आप 18 से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। PSA ऑक्सीजन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंसेस की बात करें तो आपको ट्रेड लाइसेंस, उद्यम, GST, NOC फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आवश्यकता होगी।
इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने मेडिकल पर्पस के लिए ऑक्सीजन जनरेशन विद सिलेंडर बिजनेस से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत का पहला वर्चुअल इंक्यूबेटर है, जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी यानी उद्यम यात्रा के हर चरण में आपके साथ है। अगर आप भी अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं, तो जुड़िए आईआईडी से, जहां इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अलावा आपको सप्लायर्स और एक्सपर्ट्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध कराई जाती है। आईआईडी की मेंबरशिप लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iit.org.in पर।